क्या आपका भी सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनने का? जब भी आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हो तो उनका रुतबा देख के, उनकी पावर देख के आपको भी लगता है कि यार मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनूंगा या फिर ज़रूर बनूंगी। लेकिन आपको एक मन में डाउट होता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो और सब्जेक्ट्स को लेके आपके मन में डाउट है तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जैसे कि तैयारी कब से करनी चाहिए, क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरेना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस बनने के लिए आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये एग्ज़ाम हर साल होता है। इस एग्ज़ाम में तीन चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। जो छात्र प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस एग्ज़ाम देते हैं और जो छात्र मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं। बेसिकली तीन चरण होते हैं। जो तीनों चरण को कंप्लीट कर लेते हैं उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो जाता है। आईएएस बनना मुश्किल तो है लेकिन दोस्तों असंभव नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की और टॉप के रैंक से पास की। तो ऐसा आप मत सोचो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कोई करने वाला है तो वो काम जरूर हो सकता है। बस आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होनी चाहिए, वो प्रण होना चाहिए कि मैं करूँगा तो करके रहूँगा। दोस्तों हम कोई भी ऐसी चीज़ सोच लेते हैं, अगर हम चाह लेते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आईएएस बनना बहुत मुश्किल है और ये सारी बातें सुन सुन के आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा, क्या मैं बन पाऊंगी। लेकिन दोस्तों निगेटिव बातों से हमेशा दूर रहें, हमेशा पॉजिटिविटी के कॉन्टेक्ट में रहें। आप ऐसी चीज़ देखिए कि किसी स्टूडेंट ने पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। भाई जब वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्या उससे हम कम है क्या? इस तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर रहना चाहिए। घमंड करना गलत बात है लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। क्लास टेंथ के बाद, बेसिकली तो टेंथ के बाद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है और उस एज में स्टूडेंट को उतनी समझ नहीं होती, हम लोग को भी नहीं थी कि कौन सी स्ट्रीम ले, क्या स्ट्रीम बेटर रहेगी। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो टेंथ के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्लास टेंथ के बाद तो तीन स्ट्रीम में हमारी एजुकेशन सिस्टम डिवाइड है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सिस्टम ख़त्म हो जाए लेकिन अभी तक तो है। आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे भाई आर्ट्स अगर ले लिए तो लोग सोचेंगे कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं और अगर हम साइंस ले लिए तो लोग सोचेंगे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, साइंस से पढ़ाई कर रहा है। लोग क्या हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं? लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट हैं जो कि आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। और मैं आपको सच में बताऊं तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको साइंस लेना है तो भाई आप आर्ट्स ही ले लो, आपको कॉमर्स लेना है तो आप आर्ट्स ही ले लो। अगर आपको आर्ट्स लेना है तभी आप आर्ट्स लीजिए, अगर आपको साइंस लेना है तो आप साइंस लीजिए, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना चाहिए। अब आपको एक बात थोड़ी समझ में आई होगी कि अरे यार ये तो तीनों सब्जेक्ट लेने को बोल रही, तो बता ही नहीं रहे कि कौन सा सब्जेक्ट लें। तो मेरे भाई सिंपल सा कहने का मतलब है कि आईएएस बनने के लिए सब्जेक्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले आईएएस बन सकते हैं या फिर आर्ट्स वाले आईएएस बन सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो सब्जेक्ट को लेके तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप आर्ट्स लेके भी बन सकते हैं, साइंस लेके भी बन सकते हैं, कॉमर्स लेके भी बन सकते हैं। ये तो बात होगी टेंथ के बाद सब्जेक्ट की। अब बारी आती है कि जब हम क्लास 12 पास करेंगे तो उसके बाद क्या आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर 12 पास करने के बाद ही आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो दोस्तों आप 12 के बाद नहीं बन सकते। आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। 12 के बाद हम लोग ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं। अलग अलग कोर्स की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है। नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब 3 साल का होता है। ऑनर्स में जाओगे तो 4 साल का हो जाएगा। अगर आप एमबीबीएस करते हो तो दोस्तों ये 4.5 साल का हो जाएगा, 5.5 साल का हो जाएगा पूरा आपको मिलाकर। अगर आप बीटेक करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा। यानी कि कोई भी आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करके एलिजिबल हो जाते हो यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे खासे डॉक्टर बन चुके हैं, मेडिकल की पढ़ाई की है, डॉक्टर बन चुके हैं, उनका करियर अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो आईएएस बनने के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और आईएएस ऑफिसर बन गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की, बीए किया ग्रेजुएशन के बाद, और वो आज एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने की ताकत होनी चाहिए, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो। अब भाई सब्जेक्ट की बात तो हो ही गई, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी आ रहा होगा कि यार कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, ये बता देते तो बहुत अच्छा होता। तो लो भाई हम बता देते हैं। तो देखो, जिस तरीके से आपको सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है आपको वही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी चाहिए, उसी तरीके से आपको मार्क्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ टॉपर्स हैं 80% वाले, 90% वाले, 95% वाले बस वही आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ पास भी हो, अगर आपके 40% है, 50% है, 60% है, तब भी दोस्तों आप एलिजिबल हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने क्यों अभी 2 सेकंड पहले बोला कि आपको अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो इसलिए बोला कि अगर आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लोगे तो भाई आपको उसमें पढ़ने मन लगेगा। जब पढ़ने मन लगेगा तब की पढ़ाई अच्छी होगी, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आए, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर किसी रीजन से आपके मार्क्स कम आ गए, तब भी दोस्तों आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। एक बार खुद से फिर कहिए, आई कैन डू एंड आई विल डू, और लग जाइए तैयारी में। अब आपको एक मन में डाउट आ रहा होगा कि यार सब कुछ बता दिए, सब्जेक्ट भी बता दिए, मार्क्स भी बता दिए, ये भी बता देते कि कब से तैयारी शुरू करें, अभी तो हम 8th क्लास में, अभी हम 9th क्लास में, अभी हम 10th क्लास में, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, क्या अभी से कर दें? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी 10th में हैं, 8th में हैं, 12th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो मेरे भाई आप अपने दिमाग में रखो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सिलेबस है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसी को आप अच्छे से पढ़िए, वही आपकी तैयारी होगी। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो कि आप जूनियर क्लासेज में पढ़े होते हो, कुछ क्वेश्चन हायर क्लासेज के होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप अभी 8th में हो, 9th में हो, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास में हो, तो आपका सबसे फर्स्ट काम ये है, सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस का बुक है या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसमें एक एक चीज़ पढ़ जाओ। पॉसिबल हो तो एक एक चीज़ पढ़ जाओ, उसको एकदम अपने फिंगर टिप्स पे रख लो। तो उससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो आप अपने क्लास में टॉप करोगे, उससे तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जब आप अच्छे परफॉर्मेंस करोगे तो आपके अंदर भी लग गया, अरे यार मैंने तो इतना अच्छा किया, मैं आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनूंगा। तो एक आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपको खुद अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा आपको।
और दूसरी चीज़, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और इसका फ़ायदा आपको आगे डेफिनेटली मिलेगा। तो इसीलिए अब ये मत सोचे कि कब से तैयारी करें, सबसे पहले ये सोचे कि अब जिस क्लास में हैं उसमें आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, सब चीज़ पढ़ जाइए जो भी आपका सिलेबस में सब कुछ। और अब बारी आती है कि यार बता तो देते कि कब से तैयारी करें, तो देखो वो भी बता ही देता हूँ। देखो जब आप क्लास 12 पास करोगे तो उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, कोई भी ग्रेजुएशन करना किसी भी टाइप का, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी करना, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तब दोस्तों आप तैयारी अपनी शुरू कर देना। फर्स्ट ईयर तैयारी करोगे, सेकंड ईयर तैयारी करोगे, थर्ड ईयर तैयारी करोगे, तीन साल तो कर ही लोगे। और तीन साल बहुत है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हो दोस्तों, अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हो तो तीन साल में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो दोस्तों आप निकाल लोगे, पहली बार में ही निकाल लोगे अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करते हो तो। आपको 8th 9th में तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपका सिलेबस है बस उसी को पढ़िए, वो इनफ है आपके लिए। और बता ही दिया कि तैयारी एग्जैक्टली कब से शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि आपसे करनी थी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको तो कुछ तो समझ में आया होगा, इनफैक्ट सब कुछ समझ में आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में करके बताइए, पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आईएएस के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।